थाना खातेगांव पुलिस ने 7 चोरी की मोटरसाइकिल कीमत 5 लाख रुपए के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। खातेगांव एवं आसपास क्षेत्र में लगातार बढ़ रही मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को लेकर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिवदयाल सिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सूर्यकांत शर्मा द्वारा लगातार सघन वाहन चेकिंग एवं हिस्ट्री शीटर गुंडा बदमाशों के विरुद्ध अभियान चलाने हेतु निर्देशित किया गया था। वाहन चेकिंग अभियान के दौरान संदलपुर तिराहे पर खातेगांव क्षेत्र से चोरी की गई मोटरसाइकिल HF डिलक्स बरामद की गई। उक्त आरोपियों से पूछताछ के दौरान अलग अलग स्थानों से चोरी की गई लगभग 6 मोटरसाइकिल भी जब्त की गई है। उक्त अभियान में थाना प्रभारी सज्जन सिंह मुकाती द्वारा लगातार टीम का मार्गदर्शन कर टीम गठित की गई थी। पुलिस अधीक्षक महोदय देवास द्वारा उक्त टीम को नगद इनाम से पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई है। पुलिस अधीक्षक देवास द्वारा एक सघन चेकिंग चलाई जा रही है, जिसमें जो चोरी की मोटरसाइकिल है उसका एक अभियान चलाया जा रहा है। उसी तारतम्य में थाना प्रभारी खातेगांव सज्जन सिंह मुकाती के द्वारा संदलपुर में चेकिंग लगाई गई थी, तो वहां पर ग्राम कड़ोला जिला हरदा के रहने वाले मनीष बलाई और राजेश कोरकू और पूनम बलाई, इन 3 लोगों को एक मोटरसाइकिल में पकड़ा गया, तो वो खातेगांव की चोरी होना पाया गया। जब इनसे पूछताछ की गई तो और भी 6 मोटरसाइकिल जो खंडवा खिड़किया तिमरनी इन जगहों से होना पाया गया है। इनसे पूछताछ में कुल 7 मोटरसाइकिल हमने जब्त किया है और आगे भी इनसे पूछताछ चल रही है और भी हमने इसमें मुखबिर लगाए हुए हैं, तो टोटल 7 मोटरसाइकिल इनके पास से हमने जब्त किया है। हमने एक अपराध दर्ज कर लिया है और इन पे कार्रवाई कर रहे हैं। लॉकडाउन खुलने के बाद कई जो आवारा तत्व के लोग होते हैं वो इस तरह के धंधे में शामिल हो जाते हैं और कहीं से भी मोटरसाइकिल उठाकर कम दाम में बेचकर अपनी जो नशा वसा की जो उनकी आदत है उसकी पूर्ति करते रहते हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए ये अभियान चल रहा है और हम हर तरफ नजर जमाए हुए हैं और जगह बदल बदल कर चेकिंग कर रहे हैं। कुछ गांवों पे भी हमारी नजर है और आगे भी ये कार्रवाई सतत चलती रहेगी और चोरी की मोटरसाइकिल हम जब्त करेंगे। अभी तक पूछताछ में 7 मोटरसाइकिल हमने किया है, आगे कुछ और हमारे पास सूचना है जिसको हम डेवलप करके आगे अन्य मोटरसाइकिल जब्त करेंगे।